स्वेच्छावतार चरितैर अचिंत्य निज मायया करिष्यति उत्तम श्लोक तत् ध्यायेत् हृदयं गमम्. नारद जी ध्रुव महाराज को उपदेश कर रहे हैं. नारद जी ध्रुव महाराज से, ध्रुव महाराज को उन्होंने उपदेश दिया. पहले उन्होंने मंत्र दिया, फिर उन्होंने ध्यान करने की विधि बताई, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया और उनसे विनंती की कि आदेश दिया कि तुम ध्यान करो भगवान का. अब यहाँ पर तीसरी बात कह रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है. प्रतिदिन नाम जप करो, श्री विग्रह की पूजा करो और भगवान के विभिन्न अवतारों का, भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में उनका ध्यान करो अर्थात स्मरण करो. और जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं, यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है स्व इच्छा अवतार चरितई, अर्थात भगवान जब इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो वो अपनी इच्छा से होते हैं, स्व इच्छा. मायावादी जो लोग होते हैं उनकी ये धारणा होती है कि भगवान का जो स्वरूप है वो माया है. अब ये समझना चाहिए मायावादी होते कौन हैं, उनकी धारणा क्या है. जो भगवान के स्वरूप को जो माया मानता है, अर्थात प्रकृति के नियम, प्रकृति हमारे जैसा, हमारे आप जैसा जो शरीर है वैसा ही भगवान के स्वरूप को मानता है, ऐसे लोगों की जो मानसिकता है उन लोगों को मायावादी कहा जाता है. हम जानते हैं, भक्त लोग जानते हैं, भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, श्रीमद् भागवत की कृपा से हम समझ पाते हैं कि भगवान का जो जन्म कर्म है वह दिव्य है. भगवान के धराधाम पर आने की जो पद्धति है वो भी दिव्य है. भगवान आते हैं वासुदेव देवकी के पुत्र बनकर, लेकिन साधारण स्त्री पुरुष के संसर्ग से भगवान नहीं आते हैं. हमें आज इस अंतर को समझना चाहिए कि भगवान जब आते हैं तो सर्वप्रथम भगवान वसुदेव जी के मन में अवतरित होते हैं. वसुदेव जी के मन से भगवान, जिस तरह से वसुदेव अपने मन से भगवान को ट्रांसफ़र करते हैं देवकी के मन में, और देवकी के मन से भगवान क्या कहते हैं, गर्भ में जाते हैं. हमारा जो, हम जब जब आते हैं, हमारा जन्म जब होता है तो ऐसा कोई केस नहीं होता कि हम अपने माता पिता के पहले मन में आ जाए, फिर वो अपने पिता अपने मन से उसमें ट्रांसफ़र कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. और जब भगवान जन्म लेते हैं, कैसे भगवान का कार्य कर आप दिव्य समझा जाए, जब भगवान जन्म लेते हैं तब इस संसार के जितने सारे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे ब्रह्मा जी है, शिव आदि है, इंद्रा आदि है, समस्त जो 33 प्रकार के जो देवता है, वे सारे लोग भगवान की स्तुति करने हेतु क्या करते हैं, आते हैं वहाँ पर स्तुति करने के लिए आते हैं, जेल में आते हैं, भगवान का स्वागत करने आते हैं. प्रभु आप आए, हमारे बुलाने से आए आप, तो आपका स्वागत है. क्या आपने कभी विचार किया, क्या आप कभी देखा है कि छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसका स्वागत करने के लिए आते हैं, आइए सचिन तेंदुलकर आ रहा है, बहुत बड़ा सेवा करेगा देश का, ऐसा कभी सुना है नहीं. तो भगवान के जन्म कर्म में और हमारे जन्म कर्म में बहुत सारा अंतर है. अब थोड़ा और आगे चलते हैं. भगवान ने, श्री भगवान ने जेल में, कारागार में जब प्रकट हुए भगवान, तो भगवान सारे ऐश्वर्य से पूर्ण थे. शंख चक्र गदा पद्म, छोटे से भगवान थे, शिशु रूप में थे, लेकिन छोटे से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे. हम जब जन्म लेते हैं तब कुछ नहीं होता शरीर पे, जब भगवान जन्म लेते हैं तो सारे अपने आभूषणों के साथ जन्म लेते हैं. और भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करने हेतु अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कंस के भय से रहित करने हेतु
उनके उनके माता पिता के पूर्व दो जन्मों की कथा सुना दी कि मैं पहले जब आया था तब पुरुषनी गर्भ थे आप सुतापार पुरुषनी थे और उसके बाद आप दीति और कश्यप थे उस समय मैं वामन बनकर आया था और अब मैं आपके सामने श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हूँ। तो भगवान इस तरह से अपने माता पिता के पूर्व जन्म की बात को बता दिए। जब साधारण कोई पुत्र जन्म लेता है पुत्र या संतान जन्म लेता है तो उसको खुद को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ से आया है और ये माता पिता ये जो मेरे सामने लोग हैं वो कौन है खुद पता नहीं होता। उसको सिखाना पड़ता है पापा मम्मी दादा दादी उसको सिखाना पड़ता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट कितने सारे जन्म लेते रहे लेकिन शुरुआत तो यही से होती है मनुष्य जन्म लेता तो ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट सिखाना पड़ता है उन लोगों को आ ई ई। तो ये तो मायावादी लोग भगवान का जो स्व इच्छा से जो अवतार होता है उसको क्या मानते हैं इन सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे लोगों ऐसे मायावादी दार्शनिकों के खंडन करते हैं कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। तो भगवान के जो अवतार है वो भौतिक प्रकृति के नियम अनुसार नहीं है। भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं तब उनका जो शरीर है उनका जो सारा सब कुछ कार्य सारा कार्यकलाप है वो दिव्य होता है प्रकृति से उसका कोई संबंध नहीं होता। यद्यपि भगवान सामान्य मनुष्यों की भांति संसार में घुमा करते हैं उनका जो चरित्र है वो गुड़ है एकदम रहस्यमय है सारे संसार के लोग नहीं समझ पाते उन्हें। जो भगवान इस धराधाम पर थे तो एक सेक्शन एक समाज का एक सेक्शन था जो उनको समझ रहा था ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है लेकिन अधिकतर लोगों की तो यही मान्यता थी अरे ये तो ग्वाला है इसका जन्म हुआ कंस के कारागार में बाद में इसके माता पिता उसको पहुंचा दिए गोकुल में गवारों के बीच में रहा अब जाके फिर से आया मथुरा में कंस को मार दिया किसी तरह से अरे राजा बन गया बाद में द्वारका में जाकर अपनी नगरी बैठा दी। तो उनकी सामान्यतः बहुत सारे लोगों की यही मानसिकता थी शिशुपाल इत्यादि बहुत सारे लोग थे जो भगवान की महिमा को नहीं समझते थे। तो भगवान की महिमा को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए साधुओं के मुख से भगवान के गुण रूप लीला आदि को सुनना चाहिए। जैसे रुक्मिणी है जब रुक्मिणी भगवान की जो रुक्मिणी के पिताजी थे वो धार्मिक धर्म का पालन करने वाले थे लेकिन जो उसका भाई था वो अधर्म का पालन करने वाला था लेकिन धर्म का पालन करने के कारण वो ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करते थे साधुओं का बड़ा सत्कार करते थे इसलिए बारंबार अपने घर में साधुओं को बुलाया करते थे। और जो साधु जब घर पे आते तब क्या करते हैं कृष्ण कथा करते हैं न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे नहीं ब्रेकिंग न्यूज़ तो देंगे नहीं आप लोगों को। आध्यात्मिक जगत की जो अलौकिक बातें हैं वो बताते थे। तो रुक्मिणी जी छोटी सी बच्ची थी सुन रही थी कि श्री कृष्ण ने अवतार लिया है आज उन्होंने पूतना का वध कर दिया फिर अघासुर का वध कर दिया इसका वध कर दिया उसका वध कर दिया आज ब्रह्मा जी दंडवत मारने आ गए इंद्र आ गया शरण में आ गया भगवान की गिराज गोवर्धन धारण कर लिया। इस तरह से कई प्रकार के जो भगवान के दिव्य कार्यकलाप है साधु लोग उस समय भी प्रकाशित किया करते थे और रुक्मिणी उन्हीं को सुनते सुनते बड़ी हो रही थी। तब रुक्मिणी का जो केवल सुनने मात्र से रुक्मिणी इस निष्कर्ष पर आ गई कि मुझे यदि विवाह करना है और भगवान इस धराधाम पर उपस्थित है और मुझे विवाह भी करना है तो विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से करूंगी ये शिशुपाल जैसे कुत्तों को अपने शरीर को हाथ लगाने नहीं दूंगी।
तो रुक्मिणी ने भगवान को प्रेम पत्र लिखा और प्रेम पत्र में भगवान से कहा कि हे हृदयेश्वर, कृपया करके मेरे हृदय के आप ईश्वर है तो कृपया करके मुझे आइए और मेरे को मुझे किडनैप कीजिए, मुझे ले जाइए यहाँ से। हम भी साधारण जीव भी भगवान के गुणों को सुनते हैं तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए जो रुक्मिणी ने जी की, हे भगवान मैं इन त्रिताप से ग्रस्त हूँ, माया के चंगुल में हूँ, 2400 घंटे मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं केवल आपके भक्ति के विषय में ना चिंतन करते हुए विषयों की तरफ ही मेरा चित्त जाता है, तो हे प्रभु मैं आपके गुणों को सुन रहा हूँ तो मुझ पर ऐसी अहेतु की कृपा कीजिए कि जिस तरह से आपने रुक्मिणी को किडनैप कर लिया वैसे मुझे भी किडनैप कर लीजिए, मुझे भी अपना बना लीजिए। तो भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप जो भागवत में रखे गए हैं वो इसीलिए रखे गए हैं कि हम जैसे साधारण भक्त लोग, साधारण जन लोग भगवान की उन दिव्य लीलाओं को सुने और वैसे ही लालसा उदित हो हमारे हृदय में भी, जो रुक्मिणी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि जो महान भक्तों का चरित्र रखा गया उनके जैसे उनकी स्थिति थी वैसे ही लालसा हमारे हृदय में भी उदित हो, इसीलिए भागवत को रखा, भागवत में इतने सारे चरित्र रखे गए हैं। तब ध्रुव महाराज से नारद जी कहते हैं कि भगवान की उन दिव्य लीलाओं का चिंतन करो, स्मरण करो, उन दिव्य लीलाओं का स्मरण करो और भगवान की लीलाओं का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। और हमें समझना चाहिए कि भगवान की जो लीला है, जो दिव्य लीला है जो भगवान ने वो की थी, जो भगवान ने जो जिस धराधाम पर आए थे और भगवान ने बहुत सारे प्रकार की लीलाएं की थी, वो उन लीलाओं में और भागवत में जो लीलाएं हैं, अगर हम लोग भागवत की उन लीलाओं का चिंतन करते हैं तो ये समझना चाहिए कि हम लोग भगवान पर ही, हमारा भगवान पर ही चिंतन हो रहा है। जो वास्तविक लीला हुई थी और जो फल पूतना इत्यादि को मिला था, जैसे पूतना एक राक्षसी थी लेकिन क्या हुआ, भगवान के संपर्क में आ गई, उसको धात्री गति मिल गई। तो जो गति पूतना को प्राप्त हुई भगवान के संपर्क में आने से, वही गति हमें भी प्राप्त हो सकती है यदि हम भागवत के संपर्क में आ जाए तो। पूतना एक राक्षसी थी, हमें विचार करना चाहिए पूतना क्या थी, एक राक्षसी थी। हम लोग सब सुबह दोपहर शाम प्रसाद खाते हैं लेकिन पूतना एक राक्षसी थी और क्या खाती थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी वो, तो बच्चों का मांस खाती थी और बच्चों का जो खून था वो पीती थी। ऐसी पूतना भगवान को मारने के उद्देश्य से ब्रज में आती है, भगवान की सेवा करने नहीं आती है, पूतना भगवान को मारने के उद्देश्य से ब्रज में आती है। और हलाहल जहर अपने स्तनों पर लगाती है, हलाहल जहर वो जहर है जो उसको सूंघने मात्रा से 100-150 लोग मर जाएंगे, वो जहर लेके आती है और सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आती है, मतलब भक्त बनने का ड्रामा कर रही है, भक्त नहीं है वो लेकिन भक्त बनने का ड्रामा कर रही है। और माँ यशोदा का जो वेश है, जो माँ यशोदा का जो वात्सल्यमयी जो गोपी है उनका जो वेश है, वह वेश पूतना धारण करके ब्रज में आई थी भगवान को मारने हेतु। अब भगवान भी बड़े कृपालु हैं, इस पूतना उद्धार लीला से भगवान के कृपा की सीमा बताई गई है, भगवान कितने दयालु है, भगवान कितने कृपालु है, इन जीवों के प्रति भगवान का कितना प्रेम है वो इस पूतना उद्धार लीला से हमें समझ में आता है। पूतना मारने के लिए आए थे लेकिन भगवान ने कैसे उसको लिया, भगवान ने विचार किया कि ये तो ब्रज में आई है, ब्रज मेरी माँ का वेश बनाकर आई है, नाटक भले कर रही हो लेकिन आई तो है ब्रज में, मेरी माँ का वेश बना नाटक कर रही है, तो
तो क्यों ना इसको माँ बना ही लूँ। इसलिए भगवान ने पूतना को धात्री गति दे दी, मार दिया उसे और उसको धात्री गति दे दी। पूतना ने भगवान को अपना स्तन दिया और भगवान ने दूध पीने का नाटक किया, और करते करते नाटक करते करते पूतना के जितना सारा जो प्राणवायु उसको ले लिया और पूतना की मृत्यु हो गई। अब पूतना भगवान के डायरेक्ट संपर्क में आ गई। जिनके चरण कमलों का ध्यान बहुत सारे योगी लोग हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसी असुरी पूतना भगवान के डायरेक्ट संपर्क में आ गई और मर गई। भगवान ने उसको मार दिया। अब ऐसी पूतना जब मर गई, उसके जब शरीर को जलाया गया तो क्या होना चाहिए था? बदबू आनी चाहिए थी, क्योंकि उसने जीवन में पाप ही किया है। लेकिन उस शरीर में से अघुरू की सुगंध आ रही थी, अघुरू जो जिससे अगरबत्ती बनती है उसकी सुगंध आ रही थी। अर्थात पूतना का जो शरीर था वो दिव्य बन गया। तो जो गति पूतना को प्राप्त हुई, क्या गति पूतना को? धात्री गति। भगवान की नित्य लीला में पूतना धात्री के रूप में आज भी है। माँ यशोदा के घर में पूतना दास धात्री के रूप में भगवान की सेवा करती है, आज भी करती है। तब वो उसी तरह से हम लोग यदि पूतना उद्धार लीला को सुनेंगे, श्रीमद् भागवत में से जब पूतना उद्धार की इस लीला को सुनेंगे पढ़ेंगे विश्वास के साथ, विश्वास होना चाहिए भगवान की कृपा पर, विश्वास होना चाहिए। जैसे श्री विग्रह की कल महिमा के बारे में हमने सुना कि भगवान की श्री विग्रह के संपर्क में आएंगे तो वह तो हमारा जैसे जैसे भगवान की सेवा करते जाएंगे हमारा शरीर जो है वो शुद्ध होते जाएगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं। उनका उन्हें कपड़े पहनाना, उन्हें ये करना वो करना, इससे हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। उस तरह से भागवत सुनते सुनते हमारा जो जितने सारे हमारा त्रिताप है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जितना सारा हमारा अभद्र है जीवन में वो सब समाप्त हो जाएंगे। फिर आप अमृतसर में बैठे हो या वृंदावन में बैठे हो, भागवत अपना काम करेगा, श्री विग्रह अपना काम करेगा। भगवान के संपर्क में आएंगे, नाम के संपर्क में आएंगे, भागवत के संपर्क में आएंगे, श्री विग्रह के संपर्क में आएंगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। ये विग्रह ये नहीं देखेंगे, भगवान ये नहीं देखेंगे, भागवत ये नहीं देखेगा कि तुम अमृतसर में बैठे हो या न्यूयॉर्क में बैठे हो। जो व्यक्ति भागवत के संपर्क में आएगा उसका आश्रय ग्रहण करेगा, उसका उद्धार निश्चित होना है। जब उद्धव जी ने भगवान जब अपना सारे जो दिव्य लीलाओं को वाइंड अप कर गोलोक धाम जाने वाले थे तो प्रभास क्षेत्र में भगवान बैठे हुए थे और वहाँ पर उद्धव जी को उन्होंने ग्यारहवा स्कंद सुना दिया। और ग्यारहवा स्कंद सुनाने के पश्चात उद्धव जी ने प्रश्न पूछा। उद्धव जी ने कहा कि भगवान मुझे तो लग रहा है कि आप अभी जाने वाले हैं, आपने यदुवंश का विनाश कर दिया, युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया, धर्म की स्थापना कर दी, आपका काम तो हो गया, आप तो जाएंगे अभी। तो उद्धव जी ने कहा प्रभु थोड़े समय में कलयुग प्रारंभ हो चुका है, तो कलयुग का क्या करें कि कलयुग में जो लोग आएंगे उनकी मानसिकता कैसे होगी? आलसी होंगे, भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इंद्रिय तृप्ति की तरफ ही उनका ज़्यादा लगाव होगा, स्वाभाविक रूप से कली का प्रभाव है ये, सब जगह कला ही कला होगा। तो आप कृपया करके मत जाइए, आप इस धराधाम पर जब तक रहेंगे तब तक कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता, जैसे ही आप चले जाएंगे कली का प्रभाव चालू हो जाएगा और लोग चार नियमों का उल्लंघन करने लगेंगे। ये जो चार नियम जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं ये शास्त्र सम्मत है। महाराज परीक्षित ने कली को ये चार स्थान दिए हैं, जहाँ पर मांसाहार होता है, जहाँ पर अवैध संबंध होते हैं, जहाँ पर दारू इत्यादि पी जाती है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, उन चारों स्थानों पर कलह होता है।
या फिर ऐसा समझना चाहिए कि जहाँ पर कला होता है वहाँ पर कली का निवास है। तो ये शास्त्र सम्मत बात है, ये जो प्रभुपाद जी ने जो चार नियम बताए शास्त्र में है। महाराज पुरुष ने चार स्थान कली को दिए हैं और पांचवा स्थान दिया है सोना। सोना अर्थात सोना नहीं, गोल्ड। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप मत जाइए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, जाना तो पड़ेगा, टाइम्स अप, अब मुझे जाना है। लेकिन उद्धव, मैं व्यवस्था करके जा रहा हूँ। सुत गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण स्वधाम भगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट मृषादेश पुराणार्को अधुनोदिता। जब भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम में चले गए, उस समय उसके बाद वेदव्यास जी को अपना माता पिता बनाते हुए श्रीमद् भागवत इस संसार में प्रकट हुआ है। और श्रीमद् भागवत के संपर्क में आने वाला व्यक्ति को उद्धार निश्चित होगा। जो श्रीमद् भागवत को अपना जीवन बना देगा, उनका श्रवण करेगा, अध्ययन करेगा, कीर्तन करेगा, उसका सारा कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा, वो भगवान का एक प्रेमी भक्त बन जाएंगे। तो यहाँ पर नारद जी ने तीन उपदेश दिए हैं यहाँ पर ध्रुव को। नाम जप करो, श्री विग्रह की पूजा करो और भागवत का आश्रय ग्रहण करो। देखिए, प्रभुपाल जी ने इसी भागवत रूपी अस्त्र को लेकर विदेश में गए थे। प्रभुपाल जी ने वहाँ पर जाके क्या किया? नाम संकीर्तन किया और क्या किया? भागवत को प्रकाशित किया। देखिए, भगवान के गुण, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में इतनी शक्ति है कि संसार के बद्ध जीव जब इसे सुनते हैं तब उनका जो कर्म बंधन है वो समाप्त हो जाता है। नॉट इन द हार्ट, वो समाप्त हो जाता है और भगवान के प्रति प्रेम, स्वाभाविक रूप से वो प्रेम करने लगते हैं। फिर आगे ध्रुव महाराज से नारद जी कहते हैं, परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्व सेविता ता मंत्र हृदय सेन एव परिंजासत मन मंत्र मूर्तये। नारद जी कहते हैं, ध्रुव तू वन की तरफ जा रहे हो, ये सब करोगे, लेकिन ये कैसे करना चाहिए? पूर्व के आचार्यों का अनुसरण करते हुए करना चाहिए। पूर्व के जो आचार्य है, गुरुजनों का जो गुरुजन है या पूर्व के जो आचार्य है, उन्होंने जो किया है उनका अनुसरण करते हुए भक्ति करनी है। तो किस तरह से भक्ति करनी चाहिए? नारद जी ध्रुव से बता रहे किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। तो पूर्व के जो आचार्य है उनको फॉलो करके, पूर्व के जो भक्त है, महान भक्त है, उन्होंने जैसे भक्ति की है उन्हीं का अनुसरण करते हैं, हमें भी वैसा ही करना है। हमें कोई नया मार्ग नहीं खोजना है। इस संसार में बहुत प्रकार के पंथ खुल गए हैं। कोई बाबा है, कोई बाबी है, कोई बाबा कोई मंत्र देता है, कोई बाबी कोई मंत्र देती है। तो ये बाबा बाबी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी टीवी पे बहुत आकर्षक रूप से बहुत प्रस्तुत, बहुत ड्रामा के साथ प्रस्तुत करते हैं और लोगों को आकर्षित, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि क्या ये वे लोग किस परंपरा में आते हैं, भाई किस खानदान से है जो बात कर रहे हो, उसकी ऑथोरिटी कौन है। एक आपको छोटा सा चुटकुला सुना देता हूँ, गौर गोविंद महाराज को सुना देते। एक धोबी था, उस धोबी का एक गधा था जिस गधे के ऊपर सामान लाद कर वो आना जाना करता था। उस गधे का नाम था सुंदर गंधर्व। क्या नाम था? सुंदर गंधर्व। एक दिन वो गधा मर जाता है
और ये धोबी अपने बाल मुंडवा देता है। भैया आसक्ति थी गधे में, अपना परिवार का सदस्य था उसका, तो बेचारा मर गया तो रीति रिवाज के अनुसार उसने अपना शरीर मुंडा सर मुंडा लिया, श्राद्ध दिव्य किया होगा, गधे की किस्मत। और ये जो धोबी था वो था राजा का निज धोबी, मतलब राजा सारे मंत्रियों का कॉन्ट्रैक्ट इसी के पास था, राजा का मंत्रियों का सब कॉन्ट्रैक्ट इसके पास था। अब ये मंत्री के पास जाता है, मंत्री देखता तूने सर मुंडवा लिया, क्या हो गया? बोले सुंदर गंधर्व मर गया। बोला सुंदर गंधर्व मर गया? अच्छा, हाँ सुंदर गंधर्व मर गया। बोले तो बड़ी दुख की बात है, इसलिए मैं भी सर मुंडवा देता हूँ, सुंदर गंधर्व मर गया तो तूने मुंडवा लिया, मैं भी मुंडवा लेता हूँ। तो अन्य मंत्री लोग भी मुंडवा देते हैं, एक मंत्री को देख लिया बारी बारी से बेचारा सब जगह जाता है, तो सारे मंत्री लोग अपना सर मुंडवा लेते हैं। अभी राजा के पास पहुंचता है तो राजा लोग भी बोलते हैं, तो राजा लोग भी सारे मंत्री लोग टकलू है, तो राजा पूछता है क्या हो गया? बोले सुंदर गंधर्व मर गया। बोले सुंदर गंधर्व मर गया? अच्छा, अपने राज्य का था? हाँ अपने राज्य का था। बोला अच्छा, बोला बहुत महान था। अच्छा मर गया? हाँ, ये सारे मंत्री ने उसी के लिए अपने सर मुंडवा लिया। हाँ, बोले फिर मैं भी मुंडवा देता हूँ, तो अच्छा नहीं लगेगा, वो लोग मंत्री लोग क्या सोचेंगे कि मैंने अपना सर नहीं मुंडवाया, सुंदर गंधर्व मर जाता और मैं अपना सर नहीं मुंडवाता हूँ, कैसे लगेगा? तो वो अपने राजा अपनी पत्नी को बताता है कि मैं अपना सर मुंडवाने जा रहा हूँ। राजा पत्नी बोलती क्यों, क्या हो गया, कौन है सुंदर गंधर्व, पता लगाओ कौन है पहले, कौन है ये? मुझे पता नहीं कौन है। पहले पता तो लगाओ पहले कौन है। तो सारे मंत्रियों को बुलाते हैं, बोले कौन है सुंदर गंधर्व? हमको नहीं मालूम, बोले बाल मुंडवा लिए, पता नहीं कौन है सुंदर गंधर्व, किस कौन तुम्हारा अथॉरिटी है, किसको अथॉरिटी मानकर तुमने ये बाल मुंडवा दिए? तो बोले वो तो धोबी है। अच्छा, बोले धोबी को बुलाओ। तो धोबी को बुला कर, धोबी ये सुंदर गंधर्व कौन है? बोले वो तो मेरा गधा है। तो रानी बोलती है एक गधा मर जाता है इसलिए आपके सारे मंत्री लोग अपना सर मुंडवा लेते और आप भी वो गलती करने जा रहे थे। तो ये गोरगोविंद महाराज ने इसलिए बात होती कि अथॉरिटी कौन है हमारी, हम किसकी बात को मानते हैं, उसका उसका कैरेक्टर क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसने वो परंपरा में है कि नहीं वो व्यक्ति, और जो वो व्यक्ति जो बात कर रहा है क्या वो शास्त्र सम्मत है, क्या पूर्व के आचार्यों के लाइन में है? हा? बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं संसार में, बहुत बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं संसार में, हजारों हजारों किताबें हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर एक स्टेप आगे जाकर कहते हैं कि अगर इन संसार के सारी किताबें अगर जल जाए और केवल एकमात्र श्रीमद् भागवतम रहे, तब भी श्रीमद् भागवतम समस्त प्रकार की शिक्षा देने के लिए समर्थ है। तो हमें बाहर के बाबा और बाबियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये तो बढ़ते जाएंगे। इंडिया इज ए गॉड मेकिंग फैक्ट्री, रोज नए नए भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, आप गूगल में जाके ढूंढोगे ना हजारों लाखों मिल जाएंगे आपको। एक किसी मुझे किसी मैं नॉर्मली साधारण रूप से किसी की ये नहीं कर, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी हमें, हमें लेकिन इस बात का खंडन किया जा रहा है, सभी व्यक्ति भगवान के जीव भगवान के अंश है, कभी भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वे भक्त बन सकते हैं, इसलिए हमें किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी है, लेकिन ये जो सिद्धांत है, ये जो मायावाद सिद्धांत है, हम इसका खंडन किया जाए, हमें इसका खंडन करना है, हमें इसका कोई बाबा हो बाबी हो कुछ भी करता है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें जो उनको उनका जो सिद्धांत है हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। व्यक्तिगत रूप किसी का खंडन नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है, नाम लेकर खंडन नहीं करना चाहिए, हम उनका खंडन करें तो हमारा खंडन हो जाएगा, इससे अच्छा है शक्ति को भगवान के गुण रूप लीला आदि में प्रकाशित करने में लगानी चाहिए।
तो नारद जी कहते हैं कि पूर्व के आचार्यों का अनुगमन करना चाहिए, उन्होंने जैसी भक्ति की है, हमारे हम गौड़ वैष्णव में तो ऐसे ऐसे महान आचार्य हमारे परंपरा में है, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इतने महान महान आचार्य हैं, उन्होंने हजारों हजारों ग्रंथ लिखे हैं। अगर अगर हम जीव अगर ये निर्णय कर ले कि केवल हमें अपना जीवन जो है वो रोज़ दो चार घंटे पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ना है, हमारे प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़ना है, भागवत को पढ़ना है और पूर्व के आचरण ग्रंथों पढ़ना है, तब भी ये जीवन पर्याप्त नहीं है। 2400 घंटा पढ़ेंगे तब भी ये बोल नहीं सकते कि हमारे जितने सारे आचार्यों ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो हम पूरा पढ़ पाएंगे, संभव नहीं है। फिर आगे जाके कहते हैं कि जो कोई गंभीरता पूर्वक निष्ठा से अपने मन वचन और शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्य में मग्न रहता है, जो मैंने तुम्हें बताया उसको निष्ठापूर्वक जो करता है, काया वाचा कर्माना, मन द्वारा वचन द्वारा शरीर द्वारा जो कार्य करता है, मन लगाकर कार्य करता है, अच्छी तरह से कार्य करता है, तो उसकी इच्छानुसार उसको भगवान वर दे देते हैं, ऐसा नारद मुनि कहते हैं। भगवान से प्रेम पूर्वक सेवा की जाएगी तो सारे इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, तो भगवान हमारे छोटे से छोटे संकल्प को भी याद रखते हैं, जो हमारे हृदय में इच्छा होती है ना उसको याद रखते हैं, और बाद में पूरा करने के बाद हृदय से बोल देंगे तुमने ये मांगा था ना आज दे दिया। छोटी से छोटी इच्छाओं को भगवान पूरा करेंगे ही करेंगे, गारंटीड। मैं भगवान निकुंज बिहारी जी के सामने, आप लोगों को भागवत के सामने बोल रहा हूँ कि निश्चित पूरा करते हैं, टाइम अपने हिसाब से करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अपने सुहृद है, मित्र है, तो वो हमें कोई वस्तु देंगे, इच्छित वस्तु देंगे, लेकिन ऐसा देंगे ऐसा देंगे जिससे कि हमारा भक्ति में नुकसान ना हो। हमें भगवान भगवान में और देवता में बहुत अंतर है। जैसे देवता लोगों से जब कोई मांगा जाता है तो देवता विचार नहीं करते कि इसको देने से पहले इसका विचार नहीं करते कि ये इसके इसका मैं ये वस्तु दूंगा तो इससे इसके जीवन में फायदा होगा या नुकसान होगा, देवता विचार नहीं करते। लेकिन भगवान विचार करते हैं कि मैं मुझसे मांग रहा है, मेरा भक्त है, मेरी सेवा कर रहा है, 2400 घंटे मुझसे मेरी सेवा में लगा हुआ है, अब उससे कुछ आवश्यकता आन पड़ी है और मुझसे कुछ मांग रहा है, तो भगवान विचार करते हैं कि मुझे इसको देना है, निश्चित देना है। भगवान तो चाहते हैं कि मैं दूं इसको, मांगे कुछ और मैं दूं, देने के लिए तो बैठे हैं भगवान, लेकिन भगवान विचार करते हैं कि किस समय मुझे देना चाहिए इसे। अभी दूं, अभी मैं दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बेचारा माया में चला जाएगा, इसी के पीछे पड़ेगा, मेरी सेवा छोड़ देगा, तो भगवान उचित समय देखते हैं और उचित समय आने पर भगवान आपकी उस इच्छा को पूरा कर देंगे। फिर आपने मर्सिडीज बेंज मांगी हो या कुछ भी मांगी हो, और यहाँ पर ध्रुव महाराज ने क्या मांगा है, ऐसा पद मांगा है जो ब्रह्मा जी के भी ऊपर हो, तो नारद मुनि कहते निश्चित मिलेगा तुझे, नो गारंटीड, नो डाउट। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म कर्म धर्म अर्थ काम के संबंध में जो कुछ भी मांगता है लेकिन भक्ति कर रहा है तो भगवान उसको दे देंगे, लेकिन क्या ये श्रेष्ठ है? अब नारद जी उसका उत्तर अगले इसमें देंगे। नारद जी कहते हैं लेकिन जो कोई मुक्ति चाहता है, जो कोई भक्त है जो मुक्ति चाहता है, अभी मुक्ति भक्तों के लिए क्या है? भक्तों के लिए मुक्ति का अर्थ है भगवान का परिकर बनना। भगवान को ऐसे भक्तों को ऐसे मुक्ति से कोई मतलब नहीं है जिस जो भगवान के रिलेटेड ना हो। तो मुक्ति का अर्थ है ये शरीर छूटने के पश्चात हम लोग भगवान का पार्षद बने। जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं
तो भगवान से नित्य रूप से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरा यह शरीर छूटने के पश्चात मुझे आपके नित्य लीला में प्रवेश करवाइए, और उसके लिए जो भी योग्यता चाहिए मुझे बताइए, मैं पालन करने का तैयार हूँ। देखिए संसार के जो कुछ आवश्यकता है, जो हमें घर गृह से चलाने के लिए जो आवश्यकता है, वो भगवान तो ऐसे ही दे देते हैं। अरे बाहर वाले लोगों को देते हैं तो आप भक्तों को क्यों नहीं देंगे? जो भक्ति नहीं करते हैं, दिन भर दारू में टुन्न रहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं। तो जो लोग भक्त लोग जो भक्ति कर रहे हैं, उनको देने में भगवान को क्या प्रॉब्लम है? तो वो तो नहीं मांगने पर भी दे देंगे, बस हृदय में कामना हो गई लेकिन मांग नहीं रहे, तो भगवान तो नोट कर लेते, भैया इस मेरे भक्त ने मुझसे ये मांगा है, उसकी इच्छा ये चाहिए उसे, तो भगवान तुरंत निश्चय कर लेते, हाँ मुझे इसको इस समय में उसको ये दे दूंगा। लेकिन नारद जी थोड़ा सा आगे जाते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का परिकर बनने के इच्छुक है, अत्यंत उत्सुक है, तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति को दृढ़ता से पालन करने के लिए 24 घंटा दिव्य प्रेमा भक्ति के पद्धति का पालन करना चाहिए, और इससे वह सर्वोच्च समाधि के सर्वोच्च अवस्था में पहुंच सकता है, और उससे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अलग रहना, पृथक पूर्ण रूप से उसको छोड़ देना चाहिए, कि जब उसको पता है कि भगवान सारे कामना को पूर्ण करते हैं तो उसकी लालसा और हृदय में नहीं होनी चाहिए। लालसा क्या होना चाहिए? हे भगवान मुझे आपके चरण कमलों में प्रेम भक्ति चाहिए, हे भगवान मुझे हमेशा आपके शुद्ध भक्तों की संगति में रखिए, हे प्रभु ये त्रणादपि सुनी चैन जो श्लोक है वो मेरे लिए नहीं बना है, लेकिन प्लीज़ मेक मी प्राइडलेस, प्लीज़ मेक मी हम्बल लाइक ए ब्लेड ऑफ ए ग्रास ऑन ए स्ट्रीट, प्लीज़ मेक मी टॉलरेंट लाइक ए ट्री। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझे ऐसा बनाइए, मैं नहीं बन सकता लेकिन आप तो ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, आप तो मेरे जीवन सर्वस्व है, मेरे हृदय में निवास करते हैं, तो आप ही कृपा करके मुझे वो गुण दीजिए। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए प्रेम भक्ति की, शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं तो हमेशा क्या होगा, कामनाएं के कौन सी होंगी, भौतिक कामना ही हमारे हृदय में भली होगी। तो लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए अगर भगवान का निज पार्षद बनना है, तो भगवान का पार्षद बनना है, भगवान के महान भक्तों की श्रेणी में जाना है, भगवान की लीला में प्रवेश करना है, तो उसके लिए प्रार्थना आज से ही चालू करनी पड़ेगी। अरे बताने वाली बात नहीं है, तू प्रार्थना कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, ये आपके और भगवान के आपस की बात है। तो इंडिविजुअल लेवल पे हर एक भक्त को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये भक्ति का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो है आपके साथ जुड़ जाना, आपका परिकर बनना, तो हे प्रभु मुझ पर अहेतु की कृपा कीजिए, मैं तो दीन हूँ हीन हूँ, कृपया करके मुझे, मैं पूरी तरह से आपको समर्पण करता हूँ, कृपा करके मुझे आपका परिकर बनना है, शरीर छूट जाएगा मेरा तो जब मैं मेरी आँख खुलेंगी तो प्रभु जब मेरी आँख खुलेगी तो आपकी लीला में ही खुलवाना। तो ये प्रार्थना होनी चाहिए, यही प्रार्थना तो सारे भागवत में है, भागवत में इतनी सारी स्तुतियाँ हैं, वो सारी स्तुतियों में क्या है, सब लोग यही चाहते हैं, सारे भक्त लोग यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे अकिंचन प्रेमी भक्तों की संगति में जाना है। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्तों की संगति में जाने से ही भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाती है, तो हमें भी वैसी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने प्रणाम कर दिए और बस चल दिए हो गया, ना ना ना, भगवान के सामने आएंगे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी लालसा व्यक्त करनी चाहिए कि प्रभु मुझे आपका पार्षद बनना है, मुझे आपका परिकर बनना है, ये प्रार्थना करनी चाहिए रोज, सब समय हर समय प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से अहेतु की कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। जो जो दोष है, जो जो हृदय में जो हमारे जो ऑब्स्टेकल्स है, जैसे सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो है त्रणादपि सुनी छेनो तरोरि व सहिष्णुना मानि न मान देना कीर्तनीय सदाहरि, है ना। प्रभुपाद जी ने चार नियम दे दिए,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये चार नियम दिए हैं। तृणादपि सुनी छे न तरोरिव सहिष्णाम, दूसरा अमानी न मान देना, तीसरा चौथा कीर्तव कीर्तनीय सदाहारी होगा। चौबीसों घंटे भगवान की सेवा में रहना है, चौबीसों घंटे भगवान की भक्ति में रहना है, चौबीसों घंटे भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, तब ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए चार नियमों का भी पालन करने को प्रयास करना चाहिए। शुरुआत के दिनों में नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक, नो इंटॉक्सिकेशन, सब सही है, लेकिन जब भक्त मैच्योर हो जाता है उसके बाद थोड़े नियम और ऐड हो जाते हैं। तृणादपि सुनी छे न, तृण जैसे अपने आप को हीन समझना, मतलब जो भी स्थिति आए उसको टॉलरेट करो, जैसे वृक्ष भी वही स्थिति में है, सब कुछ टॉलरेट करता है। एक घास होता है, घास में से हम लोग, ये तो सुने हुआ उदाहरण है, घास है, घास में से कुछ चलते है तो दब जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, घास पुनः ठीक हो जाता है। तो जीवन में, संसार में बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी, कोई हमें दबा देता है, कोई सप्रेस करता है, कोई कंप्रेस करता है, कोई डिप्रेस कर देता है, तो उस स्थिति को तृण जैसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान आपकी कृपा है, धन्य है प्रभु आप। वृक्ष जैसे सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष कैसा है, सारी आंधी तूफान सब सहन करता है लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, दूसरों की सेवा करने का स्वभाव नहीं छोड़ता। तो सारी चीज़ों, सारी विपदाओं को सहन करते हुए हमें अपने स्वभाव में रहना है, भगवान की भक्ति में रहना है। और भगवान, हम जब इस मानसिकता में रहते हैं तो भगवान अपना जितना सारा प्रारब्ध कर्म जो बचा है वो सारा इसी जन्म में ख़त्म कर देंगे। अगर हम इस मूड में भगवान की भक्ति करेंगे तो सारा जो बचा कुचा है, सब लेना देना है, सब इसी ख़त्म कर देंगे। अमानी न, अपनी प्रतिमान की अपेक्षा न करना, ये थोड़ा कठिन होता है। मान देना ठीक है, हम दूसरों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपना अपमान हो जाए तो सहन नहीं होता है। दूसरों का सम्मान करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्तों को वाह ऐसी हम लोग स्तुति करते रहते हैं, प्रभु जी आपके चरणों की रज दी दिए, ऐसी हम लोग स्तुति करते रहते हैं भक्तों की, लेकिन अपने प्रति मान की अपेक्षा न करना तो डिफिकल्ट है। लेकिन अगर वो भी कर ले, देखिए सबसे उत्तम उपाय भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ये चार गुण हैं वो मुझे दे दो। ये जब चार नियमों का पालन करेंगे तब कीर्तन या सदाहरी, तब 2400 घंटा भगवान का स्मरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान की तो पूजा करें लेकिन अन्य भक्तों से द्वेष कर रहे, ईर्ष्या कर रहे, तब नहीं होगा। मान की भावना है तो 24 घंटा भजन नहीं होगा, तो मान के चक्कर में समय वेस्ट हो जाएगा, 24 घंटा भगवान का स्मरण कहाँ होगा। मान अपमान के चक्कर में लगे रहेंगे हम लोग दिन भर, तो भगवान का स्मरण 24 घंटा कहाँ होगा। तो यहाँ पर नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं कि 2400 घंटे भगवान का स्मरण करना है और भगवान का परिकर बनने की इच्छा है, पार्षद बनना है भगवान का, तो क्या करना चाहिए, हृदय से रोज जब जब भगवान के सामने जाएंगे रोज भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान को अहेतु की कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कृपया करके मुझ पर अहेतु की कृपा कीजिए और मुझे आपका परिकर बनना है, तो मेरे जीवन में कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि मैं आपके दिव्य प्रेम भक्ति के पथ पर चला जाऊँ, निष्काम भाव से आपकी भक्ति करूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना धनम, बोलिए ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहेतु की त्वयि। रोज भगवान को बोलना चाहिए, प्रभु ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीम, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे जन्म प्रति जन्म आपकी निष्काम भाव से प्रेममय भक्ति करने की लालसा है प्रभु, वही करना है मुझे। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए रोज, हर समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु का भी यही मूड था। तो इसके पश्चात फिर नारद जी ने ध्रुव महाराज को उपदेश दे दिया और ध्रुव ने उनकी प्रदक्षिणा की और ध्रुव चले गए मधुवन की तरफ और नारद जी जा रहे हैं उत्तानपाद महाराज की तरफ। तो आज शाम को
वहीं से प्रारंभ करेंगे. हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद. किसी का कोई प्रश्न है? जय हो. हरे कृष्णा. पंडित जी बोलिए प्रभु. आपको तो उत्तर देना चाहिए, प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं आप? बोलिए बोलिए. जी जी सुना नहीं दे रहा प्रभु. जी 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 बिल्कुल. और उसके लिए हमें इतना ज़्यादा बाहर लोगों के संपर्क में आकर कार्य भी करना होता. जी पूरा दिन में सब करने के बाद एक चेतना के अंदर बहुत फर्क पड़ता है. जी इस फोन के अंदर सिर्फ यही बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं. जी चीज़ों को बैलेंस कर पाना सारा दिन आकर व्यक्ति शाम तक पूरी तरह निचोड़ लेते हैं. जी जी बिल्कुल. इसलिए तो प्रार्थना करने की बात की जा रही है कि भगवान से प्रार्थना कीजिए. सारे जुगाड़ों का जुगाड़ उनके पास है. जो कार्य हम नहीं कर सकते लेकिन लालसा हृदय में है और भगवान के सामने वो प्रस्तुत करेंगे और भीख मांगेंगे उनसे, अहेतु की कृपा की प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे ऐसा जीवन चाहिए, 2400 घंटा आपका भजन करूं, तो निश्चित रूप. जी जो जो हम लोग कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं. जैसे भगवान का अर्चा वगैरह घर पे होना चाहिए. घर पे अर्चा वगैरह रख कर सुबह आप जाते हैं तो भगवान की सेवा करके निकलेंगे, थोड़ा भागवत पढ़कर निकलिए, जब तो करेंगे ही करेंगे. दिन भर में भी जब भी समय मिले तो थोड़ा जप कर लीजिए, सुन लीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए. शाम के शाम को भले थके मान दे आते वाले तो टीवी के सामने नहीं बैठना चाहिए. ऑप्शन तो है. देखिए आने के बाद ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी इंद्र तृप्ति के कार्य नहीं करते.
थके हुए रहते हैं लेकिन तब भी होटल में जाते हैं, किसी की पार्टी है तो शादियों में जाते हैं, थके हुए हम लोग लेकिन उत्साह है, थके हुए स्थिति में भी उत्साह है कि भैया शादी में जाना है, चलो ना बनते ठंडे है, तो क्यों नहीं हुआ उत्साह रोज। चैतन्य चरित सुबह भागवत पढ़िए, शाम को चैतन्य चरित अमृत पढ़िए, और अपने आप को प्रयास कीजिए, दिन भर तो नहीं है लेकिन सुबह और शाम तो आपके पास है, और घर में अर्चा विग्रह रखिए, सुंदर अर्चा रखिए, तो आइए भगवान को प्रणाम कीजिए, एक प्रणाम करने से जो दिन भर की थकावट है वो भगवान निकाल देंगे। और जब भगवान से प्रार्थना की जाएगी रोज, प्रभु जी मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा जीवन जो है, मैं जो आप कर वो जो बात कर रहे ना, मैं वैसे ही था, कॉरपोरेट में था, कॉरपोरेट तो मैं तीन कंपनी में काम के तीनों बंद है आज। पता नहीं लेकिन मेरी भी बिल्कुल वही स्थिति थी कि मैं वहाँ पर जॉब करता था लेकिन हृदय में कामना होती थी कि कब मैं एक महान भक्तों जैसा बनूं, 2400 घंटा भगवान आपकी भक्ति कैसे करूं, ये तो इतना बड़ा जाल है, कैसे निकलूं इस जाल से। तो मैं रोज़ प्रार्थना करता था कि प्रभु निकालो, और ऑफिस में था, ऑफिस में बैठते हुए भी मैं अपना टेबल के नीचे अपना जप करता था, समय जब मिलता अपना काम कर देता था, काम करने के बाद जब व्यर्थ जो थोड़ा बहुत समय रहता था उसमें अपना जप करता था मैं। तो बाजू में मेरे बाजू में दो लड़कियां बैठती रहती थी, तो ये उसको बोलती थी ये क्या कर रहा है नीचे, इसके हाथ में कुछ है, तो मैं अपना जप करता रहता था, और कंपनी के मेल में भागवत PDF बना के भेज देता था मैं, क्योंकि कंपनी के मेल में तो इंटरनेट का एक्सेस था नहीं लेकिन कंपनी का मेल तो था, तो मैं घर पर जाके कंपाइल करता था कि आज पढ़ना क्या है, उसको ऑफिस में पढ़ना क्या है, तो मेल में भेजा था, मेल में PDF खोल के फिर दिन भर पढ़ते रहो भागवत, तो करना है तो जुगाड़ कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है जिनका अपना खुद का बिजनेस है उनके लिए तो थोड़ा और सुविधा है, ऊपर कोई है नहीं, सब अपना ही राज है, तो लगाओ दिन भर कथा चलने दो, जब काम के समय काम करो तो कथा चलने दो, एक साउंड सिस्टम लगा दो अपने गुरुदेव की कथा, पूरे चैतन्य महाराज ने चैतन्य चरितामृत और इतनी सारी लीलाएं कही है, कितने घंटों की मैंने खुद सुनी है सारी, उनको लगा चलने दो 2400 घंटा सुनिए, क्या प्रॉब्लम है, जब काम आएगा तब बंद करके फ़ोन अटेंड कीजिए, फिर रखिए, फिर चालू कीजिए, जिसको करना है प्रभु जी वो करेगा, और भगवान इसी एफर्ट्स को देखेंगे कि सिंसियरली करना चाहता है तो भगवान बोलेंगे ठीक है, इतना अगर सिंसियरली करना चाहता है तो लो, क्या चाहिए इसको, कंफर्ट क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो व्यवस्था कर देंगे, पैसे की व्यवस्था कर देंगे, स्थान की व्यवस्था कर देंगे, सब सुविधा दे देंगे, भगवान के हाथ में, बस उनको सिंसेरिटी का पता होना चाहिए, जैसे हमें प्रमोशन कैसे मिलता है, जब जॉब बॉस देखते हैं कि भैया सिंसेरली प्रयास कर रहा है, हार्ड वर्क करता है, तो बॉस हमें प्रमोशन देता है, मेहनत करते कंपनी को रिजल्ट ला के देते हैं आप तो प्रमोशन हो जाती है, तो वैसे ही है, जब हम सिंसेरली दिखाएंगे भगवान को प्रभु लालसा है हृदय में और मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो भगवान भी व्यवस्था कर देंगे। मैं वास्तव में श्रीमद् भागवत और हमारे निताय गौर चंद्र का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आज मैं भागवत की नौकरी कर रहा हूँ, बीरो में कहता था वो भी छोड़ चुका हूँ, आज पूरी तरह से श्रीमद् भागवत की नौकरी कर रहा हूँ, उसी पर आश्रित हूँ और बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने प्रभु जी जीवन में इतना आनंद कभी अनुभव नहीं किया, अच्छा लग रहा है कि कैसे मेंटेनेंस होगा पता नहीं, स्कूल कैसे चलेगा, हमारा भागवत महाविद्यालय खुला हुआ है कैसे चलेगा पता नहीं, लेकिन गुरुदेव का आदेश था, गौर कृष्ण महाराज का आदेश हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ भागवत पर आश्रित रहना है, तो आज मैं भले आगे क्या होगा पता नहीं लेकिन उनकी मान को रखते हुए, उनकी आदेशों को पालन करते हुए मैं कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सबसे मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि मेरा ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ का, गौर कृष्ण महाराज जाने के बाद मेरा जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। लोग कहते हैं कि स्कूल जो मैंने खोला था वो क्यों खोला, इतना बड़ा टेंशन क्यों ले रहे हो, तो महाराज ने केवल एक वाक्य कहा था कि वृंदावन में उस समय मेरा प्रयास चलता था कि मैं छोटे छोटे सेल्फ स्टडी कोर्स डिज़ाइन किए थे मैंने, और मेरे पास मैंने 12 कैंटों का सिलेबस डिज़ाइन किया था, कई किसी मंदिर को भागवत का स्कूल बनाया जा सकता है, तो गौर कृष्ण महाराज मुझसे एक वाक्य कहते एक दिन
कि भागवत का स्कूल वृंदावन में होना चाहिए ब्रजसुंदर। उसके बाद तो कार्तिक में महाराज चले गए, लेकिन उनकी इच्छा, उनके उस एक वाक्य के लिए हमने भागवत महाविद्यालय खड़ा कर दिया। और मैंने नहीं खड़ा किया है, मुझ में तो कोई क्षमता नहीं है, उन वही हृदय में बैठे हैं और वही अपना काम कर रहे हैं। आज 30 बच्चे वहाँ पर 3 साल का कोर्स करने के लिए आए हुए हैं, 3 महीने हो चुके हैं। श्रीमद क्या पढ़ेंगे 3 साल में वो लोग? श्रीमद भागवत, चैतन्य चरितामृत, षट दर्शन, षट संदर्भ, आचार्य को टिकाऊ का अध्ययन करेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, गोविंद भाष्य इत्यादि बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन वहाँ पर होगा। 6 महीने के अंदर ये भगवान की कृपा से आज हमें एक बड़ा आश्रम मिला है, आश्रम ही मिला है बड़ा, वहाँ पर राधा गोपीनाथ जी के डीटीज है बड़े, शाम को वीडियो दिखाऊंगा। तो ये सब अपने आप हुआ, नवंबर में अप्रूव हुआ और जुलाई में सेंटर चालू हो गया, मुझे खुद पता नहीं कैसे हो गया। तो गौर कृष्ण महाराज अपना काम करवा रहे हैं, मैं तो यही मानता हूँ कि गौर कृष्ण महाराज कृपा से अपना काम हो रहा है, वो खुद अपना कार्य करा रहे हैं। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जो ये धाड़स लिया है वो मेरा जो महाराज की सेवा करने के लिए ये पूर्ण हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। अच्छा प्रश्न है, भगवान ध्यान मतलब स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा। श्रवण करें भगवान के गुणों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, तब भगवान का स्मरण होगा। तो सुनना स्मरण में सहायता करता है, इसलिए सुनना चाहिए। सबसे उत्तम होता है कि साधुओं के मुख्य साधुओं के सामने बैठकर सुनना, लेकिन वो अगर साधु नहीं है, अगर उनकी टेप रिकॉर्डर है, अगर गुरु महाराज की कथाएं हैं, तो उनको टेप के माध्यम से भी सुना जा सकता है। वो मदद करेगा, सहायता करेगा उन इंस्ट्रक्शंस को आपका याद दिलाने के लिए। जी योगी जन भी भगवान का ध्यान करते हैं हजारों साल, जी गुरु जी ने भी किया, वो अंतर है। 6 महीने में उनको प्राप्ति होगी, उनको हजारों साल प्राप्ति होगी, कौन सा भाव उनके भीतर कैद होता है जिससे पूरा भगवान उसे योगी लोग योगी देखो कर्मी लोग हैं, योगी ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं और फिर भक्त होते हैं। योगी लोग भगवान का ध्यान करते हैं लेकिन उनमें वो भगवान के गुण रूप लीला आदि का के प्रति उनका कुछ नहीं, वो केवल वो अपने हृदय में जो परमात्मा स्वरूप है उस पर उनका चित्त केंद्रित रहता है, लेकिन वो भगवान के गुण रूप लीला आदि को नहीं सुनते हैं। यहाँ पर नारद जी जो उपदेश दे रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ध्यान करो भगवान का, कैसे ध्यान करो? भगवान के गुण रूप लीला आदि का जो विविध अवतारों में जो भगवान ने लीलाएँ की है उसका स्मरण करते हुए, उसका स्मरण करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह पर ध्यान करो। समझ रहे हैं? तो ये मुख्य बात है। तो भगवान के जब अलग अलग विविध अवतारों की कथाओं को हम लोग सुनते हैं तो इससे भगवान के प्रति जो हमारे इष्ट देव के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाता है। नहीं करता, इस कलयुग में भी बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, सरल है, नाम जप करना है और क्या करना है, श्रवणम कीर्तनम करना है भागवत का, बस। हरे कृष्णा बेटा।
आज शाम को आओगी, शाम को कथा में आओगी तो उसमें बताऊंगा। उसको जो प्लैनेट मिला उसका नाम था ध्रुवलोक, लेकिन वो जो ध्रुवलोक था वो साक्षात भगवान का वैकुंठ धाम था। हर एक यूनिवर्स में एक लोकल वैकुंठ होता है जिसे श्वेतद्वीप कहते हैं। तो जब ध्रुव महाराज की जो इच्छा थी वो थी ब्रह्मा जी से भी ऊपर का पद चाहिए। अब ब्रह्मा जी आए भगवान नारायण के नाभि से, उनके पिता है भगवान, तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर का पद किसका है? तो भगवान का है, वैकुंठ धाम है। तो भगवान ने अपने श्वेतद्वीप इस लोक को ध्रुवलोक नाम दे दिया। ये है भगवत भक्ति की महिमा। भगवान ने अपने धाम का नाम चेंज कर दिया और अपने भक्त के नाम पर रख दिया। ये लोकल वैकुंठ है, प्रपंचिक वैकुंठ। ओके बेटा, शाम को इसकी चर्चा करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।